वेलकम टू माय चैनल सौरभ इंडियन फार्मर। लेके आ जा रहे हैं नया वीडियो। आज नए पौधे के साथ, ये मैंगो का प्लांट है जो बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है। जैसे हम लगाएंगे, जो नाला है, नाले की जो मेड़ है, इस पे कुछ पौधे की जगह तैयार की हैं। 7-8 पौधे हैं जिन्हें लगाएंगे, जो हर साल हम लगाते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्लांट सही से लग नहीं पा रहा, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी पौधा भी नहीं है। 5-6 साल से हम ऐसा करते आ रहे हैं। हम अपने ही खेत पे लगाते हैं, और कई बार तो हम इस नाले के आगे तक दूसरों के खेत पे भी लगा लेते हैं, जिसके कारण कोई पौधा तैयार हो जाए। कोई किसान इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन अब हम कुछ तरीका अपनाएंगे जिसके कारण एक आध पौधा बच जाए, क्योंकि मैंगो का पौधा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस पौधे को लगाने के लिए मुख्यतः कोई विधियाँ हैं। एक गड्ढे तैयार करो, उसमें गोबर की खाद हो, और अगर DAP मिक्स करना चाहते हो तो DAP भी मिक्स कर सकते हो, या बर्मी कंपोस्ट है आपके पास वो भी मिक्स कर सकते हो। तो अभी हमने DAP की खाद ली है, और कुछ बर्मी कंपोस्ट है जिसे मिला लिया है, जो नाले में से लेके आए थे तो रखी हुई है। इसमें पौधे में डालने का प्रयत्न करेंगे। ये एक एक पौधा लगाते जाएंगे। पौधा मुख्यतः ये जो पौधा है अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, यार आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आप वाइल्ड एनिमल को रोक सकें, और कई बार तो ये किसानों द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। कई किसान ऐसे होते हैं जो स्वयं पौधा नहीं लगाते, लेकिन दूसरे का पौधा अगर लगा हुआ हो तो पता नहीं क्या ज्वेलिस होती है उन्हें, तो ये पौधे को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपने जीवन में कई सारे पौधे लगाने चाहिए। और हमारे देश में अक्सर होता है पर्यावरण दिवस पे कई जगह स्कूलों में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। या देखरेख सही से हो जाती है तो पौधे को देखरेख के लिए 2 साल या 3 साल चाहिए होता है। यदि वो सर्वाइव कर गया तो बड़ा जो प्लांट होता है तो वो सही से लग जाता है। फिर उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और वो नष्ट भी नहीं होगा यदि वो नष्ट किया ना जाए। तो ये पौधे हम हर बार लगाते हैं, लेकिन कई ऐसी कंडीशन बनती रहती हैं, समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। और यदि एक भी पौधा मैंगो का लग जाता है तो हम यही कहेंगे कि मैंगो का जो पौधा है बहुत ही अच्छा है, और 4-5 साल में इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और काफ़ी बड़े बड़े फ्रूट आते हैं। तो मैंगो का प्लांट जो होता है, एक तो नर्सरी अपनी खुद तैयार कर लें, या फिर नर्सरी कहीं से लेके आएं, उस नर्सरी को हम लगाएं, और फिर यदि आपको कलम मिल जाती है, कलम करने का तरीका आता है, तो इस पे जो भी आपके पास पेड़ लगे हैं उससे कलम द्वारा इसमें जल्दी से फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो कई तरीके की हाइब्रिड प्रजातियां हैं इस मैंगो की, तो उसमें जल्दी फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं देखने पाया गया है 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब मैंगो के छोटे वृक्ष पे जो फल हैं वो आते रहते हैं। तो ये जब फल आना स्टार्ट होता है तो इसमें वही कीटनाशक जो भी लोग डालते हैं, या फिर जो भी बायो कंपोस्ट डालते हैं, जिसके कारण फ्रूटिंग सही से देने लगता है। लेकिन यदि हम कलम किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्य विधि से इसमें लगभग 5-6 साल में पौधा यदि बचा रहता है तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अपने जीवन में हर व्यक्ति को पौधे लगाने चाहिए, जो पर्यावरण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि वृक्ष रहेंगे तब जीवन रहेगा, और जीवन का आधार है वृक्ष, जो हमारी
ऑक्सीजन गैस है उसे पौधे द्वारा मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद किसान साथियों हमसे जुड़ने के लिए। किसान साथियों पौधे तैयार हैं लग के, पौधा नंबर 1 जो पूरी तरह से जड़ ढक गई है और ये पूरी तरह सही से लग चुका है, और पौधा नंबर 2 जो कि जिस पे कली भी आई है, ब्रांचेस हैं इस पे, तो ये भी पूरी तरह से जड़ से ढक गया है। पौधा नंबर 3 इसमें 2 प्लांट लगाए हैं, इसमें देखेंगे एक पौधा थोड़ा ये पत्ती थोड़ी सी नष्ट हो रही है, ऐसे यदि इसमें से एक पौधा लग जाएगा तो सही रहेगा। और पौधा नंबर 4 इसमें भी 2 प्लांट लगाए हैं। पौधा नंबर 5 जो पूरी तरह से जड़ से ढक चुका है। पौधा नंबर 6 इसके भी अंदर 2 प्लांट हैं और इसमें से एक जरूर सर्वाइव करेगा। और पौधा नंबर 7 इसमें भी 2 प्लांट हैं और ये भी अच्छी तरह सर्वाइव करेगा यदि क्लाइमेट कंडीशन सही तरीके से रहें। धन्यवाद किसान साथियों हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए।